भैया आप आए हो हरियाणा पंजाब में, कुछ नहीं करा, मतलब लोग आने लग गए थे, अभी तो थोड़े कम हो गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हमारे रोड ट्रिप का थर्ड डे है और आज हम निकलने वाले हैं चंडीगढ़ के लिए। कल हमारा बहुत सारा काम जो रात भर वैसे हमारा प्लान था कि हम सुबह 4 बजे निकल लेंगे, लेकिन फिर भी हमको होते होते हमारा लेट हो गया और अभी बज गया है 6:46। तो इतना लेट हम हो गए हैं, लगभग 3 घंटे लेट है अपने जो हमने टाइम सेट कराया था उससे। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हुआ है लेकिन सफ़र चलेगा, अच्छे से जाएंगे और शायद होप्सो शाम के 4-5 बजे तक हम चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, चंडीगढ़ या उससे आगे कहीं भी होल्ड कर लेंगे। अभी तो क्या है, मैं फ्रेश हो गया हूँ, तैयार वगैरह होता हूँ और उसके बाद चलते हैं बाइक लेने के लिए, क्योंकि बाइक हमने पार्क करी थी जहाँ कल हमने पार्क करी थी विक्की के दोस्त के, वहाँ से बाइक लेके आनी है और उसके बाद गाड़ी में सामान लोड करके निकलना है हमने चंडीगढ़ के लिए। और मैंने ना अपना ये वाला हेलमेट था, अभी ये यहीं छोड़ दिया है, बस हेलमेट चेंज कर दिया है। और ये पता नहीं, मैंने माइक वगैरह तो लगा दिया लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी, बाई चांस अगर कोई दिक्कत हुई माइक वाली, तो फिर मोटो ब्लॉगिंग शायद मुश्किल हो जाएगी करने के लिए। तो रेडी वगैरह हम हो गए थे और हमारी सारी गेयर वगैरह सब पैक हो गया, बस गिराना मत भाई। तो ये बाइक है जो मेरी फ्री लोडेड है, तो ये जो काम था ना, इस काम की वजह से कल हमें टाइम लग गया था। और देखो गाड़ी कितनी लोडेड लग रही है। अब हम यहाँ पे जैकेट वगैरह पहनते हैं बाकी सब, और बिक्की का भी बैग लगना बाकी, तो बिक्की अपना बैग लगाता है, उसके बाद हम निकलते हैं चंडीगढ़ के लिए। अभी क्या है, अंकल जी टीका लगा रहे हैं हमको और सबको टीका लगा रहे हैं ताकि हमारी राइड बहुत अच्छी तरीके हो जाए, और कलावा भी लगा रहे हैं। भैया मैं सच में मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, मैं धीरे बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तेज बोल रहा हूँ। 30-40 किलोमीटर का हमने अपना अभी तक सफ़र किया था और बीच में ना मेरे जो माइक है ना, माइक की दिक्कत आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा GoPro खराब है, माइक खराब है या हेडफोन खराब है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मैं सब कुछ निकाल रहा हूँ, मैंने अब सिर्फ कैमरा रखा हुआ है और बस। अब क्या करूँगा मैं, इसको चलते रहूँगा, मुझे लगेगा कि स्वीप करना चाहिए, स्वीप करेंगे कहीं बैठेंगे वहाँ, एक बार मेरा 350 है उसमें अगर लगा के चेक करेंगे कुछ होता नहीं होता, वरना फिर आप बस ऐसा है शॉर्ट देखिएगा और उसके बाद कुछ ना कुछ वीडियो बनाते रहेंगे। अभी हम रुके थे पानी पीने के लिए, लेकिन विक्की भाई को लगी चाय की तलब और रोहित भी थोड़ा पीछे ही है, तो हमने सोचा चाय का ऑर्डर करते थे वही पहुंच जाएगा और थोड़ा सा एक टी ब्रेक भी हो जाएगा, क्योंकि हम तो चलो ठीक है अच्छे से राइड चल ले रहे हैं, रोहित थोड़ा सा वीक हो रहा है राइड करने में, क्योंकि और रोहित बता रहा था कि एक आगे ना एक एरोप्लेन वाला वो था, कोई रेस्टोरेंट था, तो वो बहुत प्यारा लग रहा था। क्यों, तेरा मन था ना वहाँ खाना खाने का? मेरा मन था वहाँ टेस्ट करने का, कि मैंने सुना है बहुत अच्छा है वहाँ का खाना, वहाँ का और अमरिक ढाबा जो है सुखदेव वाला वो बड़ा फेमस है। लेकिन हम ना, हम इस बार बजट ट्रैवलर हैं, इस बार हम ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं, हम अपना कम से कम खर्चे में अच्छा सा ट्रैवल करना चाहते हैं। इस बार मैं भी रोहित उनकी तरह रोहित कॉफी टू बन गया हूँ, वो उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि ना आज मेरा ना आज मेरा ना एक खर्चा और होने वाला था और वो तगड़ा खर्चा था, और वो मैं कर देता ना तो मेरी तो मतलब समझ लो ये लद्दाख ट्रिप ना उधारी में जाती, इसलिए मैं नहीं, इस बार अपने मन को मार के आगे चलो। रीज़न ये है ना, जो मेरे GoPro है और माइक एडाप्टर पता नहीं किस में क्या दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब तो मैं उसको डायरेक्ट ऐसे रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ और सारा मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इस बार मैं बजट में चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आगे ना बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है और लास्ट तक मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। तो अभी यहाँ थोड़े चाय पियेंगे और आगे जाके खाना खाएंगे। पानों में पले हैं हम, क्या करें।
तो भैया हम पहुंच गए हैं अभी करनाल और हमारा ये चल रहा है तीसरा चाय का ब्रेक। और हमने ना यारे रोड में इतनी थकान ले ली थी, मतलब हम कल रात सोए नहीं थे, इस चक्कर से ना आज हमारे रोड ट्रिप में इतनी थकावट, इतनी नींद हो रहा है आज से पहले मेरे पास जैस इतनी थकान हो रही है ना मुझे, और इन दोनों को भी थकान इतनी हो रही है। हम सोच रहे हैं अभी नहीं हो रही है झूठ, कैमरे के सामने इतना झूठ बोलते हैं ना लोग, इतनी थकान एक इतना बड़ा गिलास, ये इतना बड़ा गिलास चाय पी है, नींद आ रही है इसलिए। भाई ऐसी चाय अगर हर 100 किलोमीटर के बाद मिल जाए ना तो अभी 500 किलोमीटर और खींच देंगे। भैया चाय तो बहुत अच्छी है और ना हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी रास्ता कवर कर लें, 120 किलोमीटर का रास्ता और बचा हुआ है और वहाँ पहुँचने पर हमको रूम भी देखना है कहीं पर जहाँ पर हमको वाईफाई मिल जाए, क्योंकि आज हमको ना दो वीडियो अपलोड करनी है क्योंकि कल हमने निकलना है मनाली को। भाई मैंने दो वीडियो अपलोड करनी है, कल वाली भी तुमने भी शायद करनी है। हाथ आ रहा है और मेरा लोग चाय वाय हो गई है ख़त्म, अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट से आगे, पता नहीं कहाँ चंडीगढ़ पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे पता नहीं, बट फिर भी निकल लेते हैं ठीक है। चलो भैया आप आए हो हरियाणा पंजाब में और आपने बोर में नहीं नहाया तो कुछ नहीं करा, ये देखो ये दोनों तो कर रहे हैं मस्ती और मैं भी अब कपड़े उतार के नहाने के लिए जाऊंगा। और भैया मेरा तो बड़ा मन है, तो जब तक मैं नहाता हूँ ना तब तक आप ये ड्रोन शॉट देखिए, 1 2 3 स्टार्ट। तो भैया हमने ना ट्यूबवेल में नहा लिया था और अभी शाम हो गई है, सूरज भी ढलने लग गया है और हमने लगभग एक तक नहाया और खूब सारी मस्ती करी, ड्रोन शॉट भी उड़ाया और अब इतने मच्छर काटने लग गए ना, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं लेकिन हाफ पैंट पहन रखी है तो इतने मच्छर काट रहे हैं क्या बताऊँ। अब जल्दी जल्दी जैकेट पहनते हैं और तड़ से निकलते हैं चंडीगढ़ के लिए, और चंडीगढ़ यहाँ से ना सिर्फ 83 किलोमीटर ही बचा हुआ है ना। मैं पहुँच गया हूँ अंबाला कैंट और मेरे ना राइट लेफ्ट हैंड साइड में ये है अंबाला कैंट का रेलवे स्टेशन, और इस रेलवे स्टेशन को देख के ना मेरे को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब मैं छोटा था यानी जब मैं 9th करते था ना तो पहली बार मैं यहाँ आया था और तब मैं नेशनल खेलने के लिए गया था चंडीगढ़, और तब यहाँ मेरे को अपनी यादें आ गई। हम सुबह सुबह यहाँ पहुँचे थे और कम से कम 2-3 घंटे यहाँ रुके थे, उसके बाद गए थे अपने चंडीगढ़। तो आज दोबारा मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ और बस थोड़ा सा ही रास्ता बचा है, जल्दी से पहुँचे चंडीगढ़। और तो भैया मैं रुका था चंडीगढ़ से 33 किलोमीटर दूर और ना मैं अपने दोस्तों का वेट कर रहा था, मैं एक्चुअली बहुत आगे चले गया था और वो लोग पीछे रह गए थे, तो अभी मैंने फ़ोन करा वो लोग आने वाले हैं। तो ये भैया यहाँ पे मुझे बहुत देर से देख रहे थे और ये मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आए, तो ये कोल्ड ड्रिंक ले आए भैया, बहुत बहुत थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे रुके होते कोई आता है अपने तरफ से कुछ दे जाता है ना अपने प्यार से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, सेवा का। भैया ने ना कोल्ड ड्रिंक की कोल्ड ड्रिंक हमने पी ली है और भीड़ देखो, मतलब लोग आने लग गए थे, अभी तो थोड़े कम हो गए और अभी इतनी भीड़ लगी थी ना कि जैसे कुछ हो गया हो वैसा लोग सोच रहे थे। उसके दिन आए हमने उनको अपना चैनल सब्सक्राइब करा, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम ऐसे कहीं जाते हैं और लोग हमको एज ए मेहमान ट्रीट करते हैं। तो भाई पंजाबी लोगों को, पंजाब के लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार देते हो किसी भी ट्रैवलर को, आप लोग हो गए और कोई भी आप जहाँ से भी हो प्यार दीजिए, और हम सब प्यार के लिए ही तो हैं, हमको प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आप लोग के प्यार के जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो भैया हम पहुँच गए थे चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में रुके हैं हम हमारे एक छोटे भाई गौतम के मौसी के घर में, और यहाँ ना अभी हम खाना पीना करते हैं, यहाँ आए हमको एक घंटा हो गया है, पहले आंटी ने चाय पिलाई उसके बाद फिर हमने थोड़ा जो सामान वगैरह था ना वो कहीं रूम पे शिफ्ट कर दिया, अब हम यहाँ
अभी खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद ना हम जाने वाले हैं दूसरे रूम पे, मतलब दूसरे घर पे जाने वाले हैं। वहाँ हम अपना एडिटिंग वगैरह करेंगे और रात में 1-2 बजे के बाद सो जाएंगे। अभी ना हमने खाना खा लिया है, रात का डिनर हमारा हो गया है। अब हम दूसरे लोकेशन में जा रहे हैं जहाँ हमने आज रहना है, तो वहाँ अपना मैकबुक लेके जा रहे हैं, तो एडिटिंग वगैरह वहीं करेंगे। 2 दिन की एडिटिंग है जो अभी पूरी करनी है हमने, और रात में पता नहीं कितना लग जाता टाइम, क्योंकि एक वीडियो को एडिट करने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो मान लीजिए पूरे 5 घंटे हमारे रात के अभी बर्बाद होने वाले हैं। तो जाते हैं और देखते हैं कि क्या व्यवस्था है वहाँ की, और उसके बाद करते हैं आज की एडिटिंग। और उसके बाद वाईफाई मेन जो है, वाईफाई अगर वाईफाई नहीं होगा ना तो भाई अपलोड करना मुश्किल है, फिर भी कोशिश करेंगे। अभी तो चलते हैं वहाँ, पहुँचते हैं उसके बाद करते हैं एडिटिंग चालू। और अगर आपने हमारी ये वीडियो पूरी देख ली है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और देखिए यार, चंडीगढ़ के अंदर ना आप ऐसे, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरे पार्क है और यहाँ इसके बिल्डिंग के पीछे भी पार्क है। तो आप दोनों तरफ से पार्क है, जहाँ ये घर है और ये लोकेशन जो है ना वह आपके जैसे दिल्ली में DDA है, वैसे यहाँ चंडीगढ़ के अंदर गवर्नमेंट ने अलॉट करे हैं घर, तो हम वहीं पे हैं आज। तो अगर आपने हमारी ये वीडियो पूरी देख ली तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कल वाले ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।